बच्चों लोग इस सेशन में लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे थ्रू स्ट्रक्चर मेथड से, यानी आपको अगर स्ट्रक्चर पता है कंपाउंड का तो उससे आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो। ठीक, तो हम लोग का फोकस क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन थ्रू थ्रू स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ ना हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे किया, हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम का होता है, हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम का होता है, तो जिस भी एटम का हम हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे उस एटम का कितना सिग्मा बॉन्ड बना हुआ, सिग्मा। ठीक है, तो एटम जब भी कोई कंपाउंड में एटम रहेगा तो बॉन्ड बनाएगा, तो एटम कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है ये पता करना आपको, और एटम पे कितना लोन पेयर है, एटम पे कितना लोन पेयर है ये पता करना है। ठीक है, लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को मिला के हम एक लोन पेयर फॉर्म करते हैं, मतलब लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी दो नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्ड ने पार्टिसिपेट नहीं किया उसको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर दो रहेगा तो उसको बोलेंगे वन लोन पेयर। ठीक, तो ये रहता है, तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है थ्रू स्ट्रक्चर तो जिस भी एटम का हम हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे उस एटम को फोकस करना, उसका सिग्मा बॉन्ड काउंट करना, ठीक है, और उस पर लोन पेयर कितना काउंट करोगे। ठीक है, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट आता है सिग्मा बॉन्ड किसको बोलेंगे, तो फिगर में अगर आपके पास मान लेते हैं ए और बी में बॉन्ड बना हुआ, तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या इवन कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, इन सारे बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात किया जाएगा तो सारे में सिग्मा बॉन्ड का नंबर एक होगा, एक ही होता है, यानी हर हर बॉन्ड टाइप में सिग्मा हमेशा एक ही होगा। इसका कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस है जिसको हम बाद में सीखेंगे, बट नॉर्मली अभी के लिए ना कि जब भी बॉन्ड टाइप होगा तो सारे बॉन्ड टाइप में सिग्मा एक ही होगा, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो, सब में क्या होगा सिग्मा बॉन्ड का नंबर क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो इस इतना ही आपको जानना था। तो जब भी किसी भी एटम का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आप क्या करना, उस एटम का कितना सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है और उस एटम पे कितना लोन पेयर काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एन नंबर डिसाइड होगा, यहाँ पे एक एन नंबर डिसाइड होगा, तो यहाँ जो एन नंबर है, एन नंबर क्या है, तो एन है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का नंबर, इनको ऐड करने पे आपका मिलेगा एन, और एन का नंबर टू होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा एसपी, सेम जो पहले में सीखे थे, एन टू मतलब हाइड्रेशन एसपी होगा, एन थ्री मतलब हाइड्रेशन क्या होगा एसपी टू हो जाएगा, एन फोर का मतलब हाइड्रेशन क्या हो जाएगा जी, एसपी थ्री हो जाएगा, एन फाइव पे हाइड्रेशन क्या हो जाएगा एसपी थ्री डी हो जाएगा, एन सिक्स पे हाइड्रेशन क्या हो जाएगा एसपी थ्री डी टू हो जाएगा, एन सेवन पे हाइड्रेशन क्या हो जाएगा एसपी थ्री डी थ्री हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इतना आपको ध्यान देना, इतना ध्यान दोगे। ठीक है, तो यही फोकस करना है, इसको अप्लाई करना सिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल का सिंपल एग्जाम्पल, जैसे बोलते हैं कि CO2, तो CO2 का फिगर क्या होता है जी, तो CO2 फिर ऐसा होता है, अगर बोलेंगे CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता करना मेरे को, कार्बन का, तो उसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होगा कार्बन का जी, तो कार्बन का दो बॉन्ड, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो सिग्मा कितना है टू है, और लोन पे कितना जीरो है, कार्बन पे जिसका पूछेंगे उसी, जिस एटम को पूछा जाएगा उसी पे लोन पेयर देखना, ओ पे मत देखना। ठीक है, सी का पूछें तो सी का लोन पेयर चेक करोगे, तो सी पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक भी नहीं बचा तो क्या लोन पेयर क्या जीरो हो जाएगा, नंबर एन क्या होगा सीमा प्लस लोन पेयर का सम, तो क्या होगा टू प्लस जीरो क्या होगा टू, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एसपी, क्या हो जाएगा एसपी। जैसे एग्जाम्पल पूछा गया वाटर, वाटर में ओ का पूछा गया, ओ का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो वाटर का फिगर बना लिया हम लोग, तो वाटर जब फिगर बनेगा तो यार उसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो सिग्मा बॉन्ड दो है, लोन पे भी ओ पे कितना है, तो लोन पे ओ पे देखोगे तो लोन पे ओ पे दो है, ऊपर और नीचे दिख रहा होगा आपको फिगर में, तो लोन पे भी दो है, तो टू प्लस टू क्या होगा फोर, यानी एन कितना होगा फोर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ओ का हाइब्रिडाइजेशन होगा एसपी थ्री। ठीक है, और पूछा जाएगा HCF2 का हाइब्रिडाइजेशन, तो HCF2 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे जी, निकालना सिंपल बहुत है, आप एक्सी का HCF2 का फिगर बना ले, तो एक्सी का कितना होता है, एक्सी का वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, दो बॉन्ड में चला जाएगा तो बचेगा कितना, बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा। अब देखो HCF2 में कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा
दो, ठीक, कितना लोन पर होगा, तो लोन पर होगा 3, तो 2 प्लस 3 कितना 5, हर से क्या होगा SP3 डी हो जाएगा, ठीक। अगर बात करते हैं हम लोग H2SO4 का, तो H2SO4 में बोलेंगे सल्फर का निकाल, तो पहले फिगर सोच ले, फिगर तो निकालना बनाना बहुत इजीली आपको आता है। तो देखो यहाँ पे H2SO4 में सल्फर पे कितना 6 बॉन्ड बना हुआ है, तो 6 बॉन्ड में सिग्मा कितना है, तो सिग्मा 4 होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड को तो काउंट नहीं करना है ना, तो हर बॉन्ड में सिग्मा एक ही होता है, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा, लोन पर कितना 0, सम कितना होगा 4, होगा रोटेशन SP3, ठीक है। तो इससे इसको अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं, जैसे मानते हैं कोई आयन का बनाना है, तो जैसे मान लें कि बोला गया CO3-2 में आपको कार्बन का पता करना है, ठीक है। पहले आपको कार्बन आयन का फिगर बनाना चाहिए, तो आपको पता है कि कार्बन कैसे बनाते हैं, तो पहले इसमें आप एच ऐड कर देते हैं, तो एच ऐड कर तो क्या होगा H2CO3 हो जाएगा, आप H2CO3 का फिगर बना सकते हो, तो ऐसा बन गया। और फिर क्या हम लोग सीखे थे कि जहाँ जहाँ एच लगाया उसे एच को हटा दो, उसे एच को आप हटा दो, तो एच को हटा देंगे फिर हम लोग, तो एच को हटा दिए, ठीक। एच को हटाने के बाद नेगेटिव यहाँ दे देंगे, तो ये हो गया आपका कार्बन आयन का फिगर। हमको चाहिए किसका, वो कार्बन का चाहिए, तो कार्बन कार्बन एटम में कितना सिग्मा, कितना लोन पे चेक कर लो एक बार यार, सिग्मा 3 है, लोन पे कितना कार्बन पे 0, तो एन कितना होगा, एन होगा आपका 3, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा SP2, क्या हो जाएगा SP2। सिंपल बात करते हैं सीलो माइनस में, सीलो माइनस पे, तो सीलो माइनस का फिगर कैसे बनाएंगे, तो पहले इसमें एच ऐड कर दे, तो क्या होगा HClO हो जाएगा, इसका फिगर बना सकते हो, तो ClOH हो गया। फिर क्या करेंगे, इस OH का H को हटा दे, उस OH का H को हटा दे, ठीक है, तो चार्ज बन गया नेगेटिव। अब क्लोरीन का वैलेंस में कितना होता है, 6 होता है, सॉरी 7 होता है, 7 में से एक गया बॉन्ड बना, तो बचा कितना 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ बता दिए। यहाँ पे सीमा कितना है, सीमा 1 है, और लोन पे कितना है इसके पास, तो लोन पे आपको दिख रहा होगा लोन पे कितना है जी 3 है, तो सम कितना होगा 4, हाइब्रिडेशन क्या होगा क्लोरीन का SP3, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अप्रोच में इस तरह से काम करना होता है। अब क्या था कि आपको लगेगा यार इतना जो बना रहा है फिगर, इसमें तो इजीली आप डिवीजन मेथड से आसानी से कर सकते थे, तो ये बात सही है। जब भी सेंट्रल एटम अगर का नंबर 1 होगा, तो आपका डिवीजन मेथड वो सीखे थे वो ज़्यादा इजीली आप अप्लाई कर पाओगे, जल्दी बनेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते चले जाएंगे हम, तो उस केस में आपका फिगर से प्रोसेस आपको इजीली दिखेगा। सम टाइम क्या होता है, फिगर आपको दिखता है, अगर आप फिगर आपको याद हो जाएगा तो उसको आप विजुलाइज खुद से कर सकते हो मेंटली, तो आपको हाइब्रिडेशन बताना बहुत आसान आपके लिए। जैसे एग्जाम्पल बात करें हम लोग SO3 का, तो हमको दिख रहा है कि SO3 में 3 डबल बॉन्ड है, एन 3 सिग्मा है, तो हाइड्रेशन हो जाएगा SP2, जिसको नहीं दिख रहा वो बना फिगर ड्रॉ कर लो, तो फिगर ऐसा होता है। इस फिगर में लोन पे कितना है 0 है, सिग्मा कितना 3, तो 3 प्लस 0, एन क्या होगा, एन हो जाएगा 3, हाइड्रेशन क्या हो जाएगा SP2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे सब सोच सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल था HCO6-4, इसका फिगर कैसे बनेगा जी, तो हम क्या क्या बताते हैं, जब भी आपके पास O पे नेगेटिव हो तो H को ऐड कर दें, तो H को ऐड कर तो क्या होगा, ये हो जाएगा H4HCO6 हो जाएगा, फिगर कैसे बनेगा इसका, तो HC के पास कितना OH बने, 4 OH बना देना, 4 OH पॉसिबल, 4 OH बना दिए, बचा दो दो O, तो डबल बॉन्ड O बना दो, ये हो जाएगा HCO6 का फिगर बन गया। अब चूंकि हमको बनाना था HCO6-4 का फिगर बनाना था, तो जो एच आप ऐड के उसको हटा दो एच को, तो अब एच को हटा देंगे तो उस पर चार्ज नेगेटिव आता जाएगा, तो चार्ज नेगेटिव आ गया। अब चूंकि जेनन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8, और बॉन्ड का नंबर भी 8 बचाओ बना हुआ है, डबल बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गया, सिंगल 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 4 बॉन्ड हो गया, तो टोटल बॉन्ड कितना 8 हो गया, इसमें कोई भी लोन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर जेनन पे नहीं बचेगा, ठीक। तो इसमें अब काउंट करेंगे जेनन कितना सीमा बना रहा है, तो सीमा कितना दिखेगा, पोसिस दिखेगा, और लोन पे कितना जेनन पे लोन पे कितना 0 है, तो 6 प्लस 0 एन कितना हो गया 6, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा SP3D2, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें हम लोग NO2+ का, NO2+ का फिगर ऐसा होता है NOO और प्लस यहाँ पे, ठीक। NO2+ में कितना सीमा, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 2, और लोन पे कितना हो गया 0, एन पे तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा
जो एन हो गया आपका, एन हो गया टू, हाइब्रिडेशन हो गया एस पी, हाइब्रिडेशन हो जाएगा एस पी, ठीक है। तो इससे सब फिगर से सोच सकते हो। अगर बोलेंगे पी सी एल फाइव का फिगर हमको मतलब हाइब्रिडेशन बताना है, तो क्या होगा पी सी एल फाइव का फिगर मान लें, तो क्लोरीन 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 5 क्लोरीन के जोड़ दिए सिंगल बॉन्ड से। अब इसमें देखोगे चूंकि फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो टी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, और 5 बॉन्ड बन गया, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा नहीं तो सिग्मा कितना हो गया 5, लोन पेयर कितना हो गया 0, एन कितना हो जाएगा 5, हाइब्रिडेशन हो जाएगा एस पी थ्री डी हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर का अप्रोच, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो मेरे सवाल पूछ सकते हो। चलो तो हम लोग स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन निकालना सीख चुके हैं थ्रू स्ट्रक्चर अप्रोच से, ठीक है। स्ट्रक्चर अप्रोच ज़्यादा बेटर कब काम करेगा, मतलब ज़्यादा फास्ट किसके लिए होगा, जब आपका सेंट्रल टर्म मोर देन वन हो, उसमें तो मैथमेटिकल अप्रोच काम ही नहीं करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि H2S4O6 में व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ सल्फर, तो यहाँ पर 4 सल्फर है, 4 सल्फर का अलग अलग आएगा या फिर सेम आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर 4 सल्फर है तो चारों का हमको अलग अलग बताना पड़ सकता है कभी कभी, ठीक। तो मे बी सेम भी आ सकता है, मे बी अलग भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पे क्या होगा चेक कर लेते हैं हम लोग। तो H2S4O6 में पहले फिगर बना लें, तो आपको फिगर तो बनाना आता है, तो फिर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ है ना जो पहला सल्फर है लेफ्ट लेफ्ट साइड का, उसमें कितना बॉन्ड बना हुआ था, 4 बॉन्ड, 4 सिग्मा है, लोन पे क्या 0 है, तो सम कितना होगा 4, हाइब्रिडाइजेशन का sp3। यहाँ ये जो सल्फर है इसमें क्या 2 सिग्मा है, 2 लोन पे, तो क्या सम 4 होगा sp3। यहाँ जो सल्फर है इसमें भी क्या होगा 2 बॉन्ड है, 2 सिग्मा और 2 लोन पे, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 सिग्मा है और लोन पे क्या 0 है, तो यानी एन क्या होगा sp3, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। यहाँ पे सारे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है। कभी कभी क्या होगा इसमें अलग भी हो सकता है, कभी कभी अलग भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बात करें I3-, तो I3- में 3 एडिन है, तो आप पूछेंगे कि तीनों एडिन का हाइब्रिडेशन अलग अलग बताओ मेरे को, तो I3- का पहले फिगर आपको बनाना चाहिए। तो I3- का फिगर ऐसा कुछ होता है आई आई आई, ठीक। यहाँ पे तो ऐसा बन गया, एक नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव जो होता है बीच वाले पाता है, तो बीच वाले पे एक नेगेटिव आएगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, नेगेटिव एक्स्ट्रा ऐड करें तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव बीच में डाल दे, तो ऐसा कुछ इसका फिगर होगा। अब इस 3y का अगर बात करेंगे तो ध्यान देना जो लेफ्ट मोस्ट आई है उस पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, तो चेक कर एक बार, एक सीमा है 3 लोन पर है, क्या है एक सीमा है 3 लोन पर, तो क्या हाइब्रिडेशन sp3। यहाँ पर क्या हो सकता है sp3, और बीच वाले आई पे देखोगे तो 2 सीमा है 3 लोन पर, तो क्या हो जाएगा sp3 d, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो हाइब्रिडेशन अलग हो सकता है, तो कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपको समझाया गया है, ये आपको समझाया गया है कि इस तरह से हम स्ट्रक्चर अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा, अगर आपसे पूछा जाएगा मान लेते हैं कि CrO5 इन CrO6 में आपको हाइब्रिडेशन बताना है क्रोमियम का, ठीक है। तो यार कैसे बताएंगे, तो आपको दोनों का फिगर पता होना चाहिए, इसका फिगर ऐसा होता है। अब देखो इसमें सीमा बॉन्ड कितना है क्रोमियम पे, 5 सीमा है, ठीक है। लोन पे कितना है 0 है, सम क्या होगा 5, हाइड्रेशन क्या होगा sp3 d हो जाएगा। CrO6 का फिगर देखोगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ था, इसमें कितना सीमा बॉन्ड है 6 बॉन्ड है, लोन पे कितना 0 है, क्रोमियम पे सम क्या होगा 6, यानी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3 d2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हो, इस तरह से आप लोग सोच सकते हो फिगर बना के, जिसका फिगर पता रहेगा उसका आप इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक। सिमिलरली अगर पूछा जाए आपसे कि H3P3O9 में फॉस्फोरस का हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे,
तो इसका फिगर आपको पता होना चाहिए। अब क्या करें, फॉस्फोस का निकालना है तो अब क्या करोगे, पी एटम को चेक करो, पी एटम में सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो किसी भी पी को चेक कर लेते हैं। पर हम लोग यार मान लो इस पी को हम चेक करते हैं, इस पी पे सिग्मा कितना है, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा है, और लोन पर कितना है, लोन पर 0 है, तो सम कितना होगा, सम हो जाएगा एन हो जाएगा 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, क्या हो जाएगा sp3। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर अप्रोच आपको हेल्प कर सकता है डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो बच्चों लोग हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का दोनों तरीका समझ में आ गया हम लोग को। पिछले सेशन में लोग सीखे थे मैथमेटिकल अप्रोच, इस सेशन में लोग सीख लिए स्ट्रक्चर अप्रोच। ठीक है, दोनों अप्रोच आप लोग को समझ में आ चुका है। नेक्स्ट इसको हम अप्लाई करते हुए हम लोग सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्पीसीज हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन में कैसे काम करता है। ठीक है, तो ध्यान देना जब भी बात करते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, तो उस केस में ध्यान देना आपको फोकस क्या करना है कि आप देखना उसका फिगर बनाना। जब भी ऑल्टरनेट सिस्टम पर बात करें, पहला काम क्या करोगे आप उसका फिगर को ड्रॉ कर देना, आप उसका फिगर को ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो आपका जो अप्रोच होगा, ठीक है, आप पहला क्या काम करना, ड्रॉ ड्रॉ स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान दें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आप फोकस करना किस पे, सेंट्रल एटम पे। किसे फोकस करोगे, सेंट्रल एटम पे, जिसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, या फिर जिस उस एटम पे फोकस करना है जिसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अगर उस सेंट्रल एटम पे यानी जो जो भी एटम है उस पे अगर लोन पेयर भी होगा, लोन पेयर के साथ अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी लोन पेयर भी होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होगा, उस केस में हम क्या करते हैं, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कर देते हैं नेगलेक्ट। इसको काउंट, इसको सोचो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये सोच लेना आपको, इसको कर देना आपको नेगलेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इस केस में क्या होता है, इस केस में एग्जाम्पल होता है आपके पास CLO2 का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, मान लेते हैं CLO2 का एग्जाम्पल, CLO2 का फिगर कैसा बनेगा जी, तो CLO2 का फिगर ऐसा बनेगा, जिसपे एक लोन पेयर भी है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। तो हम लोग कैसे क्या है कि जब भी लोन पेयर के साथ अनपेड होगा तो अनपेड को कर देना नेगलेक्ट, तो इसको कर दो नेगलेक्ट, तो इसमें सिग्मा कितना होता, सिग्मा हो जाएगा 2, और लोन पेयर कितना हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा 1, तो सम कितना हो गया 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, क्लोरीन का sp2। यानी जब भी लोन पेयर के साथ अनपेड हो तो अनपेड को कर देना है नेगलेक्ट, उसे सोचना नहीं है, तो इससे आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ जाएगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होगा, जब होगा सेंट्रल टर्म पे ओनली अनपेड, ऑनली होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में क्या करना है, जब भी लोन पे के साथ अनपेयर था तो हम क्या किए थे, अनपेयर को नेगलेक्ट कर दिए थे, और जब भी सिर्फ अनपेयर होगा तो क्या काम करेंगे, तो ध्यान देना, तो इस केस को थोड़ा अच्छे दिखा दे रहे हैं, जब भी सेंट्रल एटम के पास यानी जो भी एटम हम डिस्कस कर रहे हैं उस पे अगर होगा सिर्फ ओनली होगा ओनली अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ओनली अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होगा उसमें क्या अप्रोच करना आपके लिए। इसमें दो केस लेंगे हम लोग। ठीक है, पहला केस हम क्या बोल रहे हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम में से अगर हम बोल रहे हैं कि सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगा देन सेंट्रल एटम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी सेंट्रल एटम पे होगा सिर्फ ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उस केस में पहला केस हम बात कर रहे हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन सेंट्रल एटम। फॉर एग्जांपल देखोगे CF3 डॉट यानी CF3 में कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम क्या कार्बन है और सराउंडिंग क्या है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या होता है, कार्बन से ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपके पास, NO2,
NO2 भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके पास। NO2 में क्या होगा, ऐसा फिगर होता है इसका, और एन पे अनपेड होता है, एन पे अनपेड होगा। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसके लिए जी, इसके लिए एग्जाम्पल होगा CO3। तो क्लोरीन में तीन ओ को अटैच कर दो आप, और एक अनपेड रूम बचेगा सीएल पे। तो एग्जाम्पल अब देखो, इसमें सीएल और ओ है, तो सीएल और ओ में ज्यादा एलिटिव कौन होता है, ओ होता है। तो इन सारे केसेस में क्या है, सराउंडिंग एटम ज्यादा अल्टरनेटिव है देन सेंट्रल एटम। सराउंडिंग एटम का नेगेटिविटी सेंट्रल एटम से क्या होगा, हाई होगा। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, जो अनपेल्ट्रॉन है उस अनपेल्ट्रॉन को आपको लोन पर रिज्यूम करना है, इक्वल टू लोन पर, यानी अनपेल्ट्रॉन को आप लोन पर मान के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास सेंट्रल एटम पर अनपेल्ट्रॉन होगा और सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, अनपेल्ट्रॉन को आप मानोगे लोन पेयर, उसको एक लोन पेयर मान लेना। इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तीन सिग्मा हो गया और एक अनपेल्ट्रॉन को आप लोन पेयर मानना है, तो वन लोन पेयर हो गया। सम कितना हो जाएगा जी, सम हो जाएगा 4, यानी हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 CO3 का। CF3 का बात करें, इसमें क्या हुआ, तीन सिग्मा और वन लोन पेयर, अनपेल्ट को लोन पेयर मान ले, तो क्या हुआ, सम हो गया 4, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। NO2 में ध्यान देना, NO2 में सिग्मा कितना, 2 सिग्मा है, और लोन पेयर को मानोगे अनपेयर, सॉरी यहाँ पे जो अनपेयर्ड है उसको माना लोन पेयर, तो वन हो गया लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन इसका एन कितना हो गया, एन हो गया 3, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन होगा sp2, क्या हो जाएगा sp2। ठीक, तो इस तरह आपको सोचना था। इसी केस में अगर एक और केस मानते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होगा सराउंडिंग एटम का सेंट्रल एटम से कम हो, यानी सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो देन सराउंडिंग एटम, उस केस में क्या सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान ना, CH3 डॉट, तो CH3 में क्या होता है, CH3 में H और C में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेटिव कौन होगा जी, ज्यादा अल्टरनेटिव होगा कार्बन। तो सेंट्रल एटम ज्यादा अल्टरनेटिव है, तो उसमें क्या होगा, जो जो अनपेल्टोन है उसको आपको क्या मानना है, उस इस केस में, ऐसा केस में क्या करना है, जो अनपेल्टोन है उसको कर देना नेग्लेक्ट, यानी इस केस में जो अनपेल्टोन होगा उसको आप कर दोगे, क्या कर दोगे, चलो नेग्लेक्ट कर देना, इसको काउंट करना ही नहीं है, आपको कर देना नेग्लेक्ट। यानी CH3 में क्या होगा, 3 सिग्मा होगा, अनपेल्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है, तो क्या हो, लोन पेयर हो जाएगा 0, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, सम क्या होगा, 3, एन हो गया 3, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो इस तरह से आप अनपेल्ट इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम का हाइब्रिडेशन आप इस तरह से आप निकालते हो। ठीक है।